नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो फ्रेंड्स, एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का ये प्रैक्टिस सेट 132 है और टॉपिक का नाम है शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड। तो फ्रेंड्स, हमारा उद्देश्य है आपकी बार नेट जेआरएफ बार। तो फ्रेंड्स, 10 नंबर पक्के करने के आपके बहुत ही सुनहरा मौका है। ठीक है, बहुत शानदार ये प्रैक्टिस सेट बनाया है हमने। सिलेक्टेड सवाल है, सबका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबका स्वागत है। शिवा कुमारी जी, मीना कुमारी जी, ज्योति बब्बर जी, सोनिया लोहिया जी, वैशाली चावड़ा, ऋतु कुमारी, देवेंद्र यादव जी, देवेंद्र कौशिक जी, देवेंद्र यादव जी, वेलकम, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी बन चुका है। ठीक है, जेबी स्टडी पॉइंट डालना आप, जेबी स्टडी पॉइंट। और अगर हमारा आपको क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है या फुल कोर्स ज्वाइन करना है तो हमारे जेबी स्टडी पॉइंट को ऐप को डाउनलोड करके देख लेना, डेमो भी देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे 3 कोर्स चल रहे हैं रेगुलर। पहला कोर्स है 6 महीने का 3000 रुपये का है, और 1 साल का 4000 रुपये का है, और लाइफ टाइम का आपको 5000 का कोर्स मिलेगा। तो अभी जो है हमारे क्रैश कोर्स 2 चल रहे हैं, 500 रुपये का और एक 1000 रुपये का। ठीक है, 500 में 15000 सवाल इतिहास के। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। बासिम जी वेलकम, शिखा जी वेलकम, नमस्कार, सबको वेलकम है। तो फ्रेंड्स, पहला सवाल आपके सामने उपस्थित है। ठीक है, जल्दी जल्दी आ जाइए साहब। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है? तो आपके सामने 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए। ठीक है, 20 सेकंड है कमेंट करने के लिए। तो पहला ऑप्शन स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विमर्शी स्तर या स्वायत्त विकास स्तर। फ्रेंड्स, देखो, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं। पहला ये वाला है स्मृति स्तर, सेकंड पोजीशन पर ये आता है अवबोध स्तर, तीसरा आता है चिंतन या विमर्शी स्तर। ठीक है, तो आपको बताना है कि किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद करने का अवसर प्राप्त होता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2। वेरी गुड, वेरी गुड, वैशाली जी, मीना जी, अनिता जी, सोनिया जी, वेरी गुड, क्या बात है, सबने भी लगाया है। तो फ्रेंड देखो, जो अवबोध स्तर होता है वो सही गलत, नकारात्मक सकारात्मक के बीच में विभेद करने का अवसर प्राप्त करता है। भाई सही क्या है, गलत क्या है, ठीक है, इसको जो है जो अवबोध करता है, समझदारी भरा काम करता है जो बच्चा, वो ये काम करता है। देखो, स्मृति में क्या होता है, इसमें बच्चा याद करता है, यानी कि वह ABCD याद की, 2 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, 6 का पाड़ा, गिनती याद की, यानी कि ये क्या है दोस्तों, एक शैशवावस्था होगा, शैशवावस्था, ये माध्यमिक अवस्था, और ये उच्चतर स्तर, उच्च शिक्षा में यूज होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जब बच्चा माध्यमिक स्तर पर आ जाता है तो बच्चा सही गलत की पहचान करने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। आरती शर्मा जी वेलकम, नमस्कार जी, तिलक जी वेलकम। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सवाल को दोस्तों सही से पढ़िएगा। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थी को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि देखो, अगर मैं किसी आप में से किसी 2 बच्चों से एक सवाल पूछूं, ठीक है, एक से नहीं पता और दूसरे को पता है और वो इतना उत्साहित है उस सवाल को विस्तार पूर्वक बताने के लिए, तो उस घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, सवाल को समझिएगा, बहुत ही शानदार सवाल है। ज्योति बब्बर जी गुड इवनिंग, वेलकम। बस सवाल को समझिएगा, शिक्षण के दौरान या टीचिंग के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तर प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि कोई शिक्षक बच्चों को समझा रहा है और मोटिवेट कर रहा है, और उस मोटिवेट को ग्रहण करके एक्सेप्ट करके बच्चों को उत्साह मिल रहा है, प्रोत्साहन मिल रहा है किसी सवाल को उत्तर देने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, तो विशेष अच्छा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रोबिंग बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये कंडीशन होती है कि भाई जब बच्चा किसी से प्रेरणा लेकर किसी का उत्तर विस्तार पूर्वक बताता है, उसको बोलते हैं विशेष परीक्षा। नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीन है। सुमन आना जी गुड इवनिंग वेलकम, साकिर अली जी गुड इवनिंग वेलकम। तो दोस्तों तीसरा सवाल है, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। ठीक है, दीपिका धुर्वे जी गुड इवनिंग वेलकम। आपके सामने 5 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन नियंत्रण बिंदु यानी कि फोकस ऑफ कंट्रोल, सेकंड है संप्रेषणीयता कम्युनिकेटिंग करना, थर्ड है प्रबंधन और निगरानी, चौथा है शिक्षक का उत्साह, और 5वां है मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो फ्रेंड्स, एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता के संदर्भ में जो अभिवृत्ति और धारणाओं, भाई किसी को कहने लगे कि भाई वो जो टीचर बड़ा अच्छा है, उसकी जो सोच बड़ी अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम ये नहीं कह सकते ना कि वो एकदम सक्षम है। देखो तो सक्षम को कैसे पहचान सकते हैं कि अगर उसमें बोलने की क्षमता हो तो, ठीक है, किसी को डीलिंग करने की क्षमता हो, बच्चों को समझाने की क्षमता हो, ठीक है, और उसमें तीसरा प्रबंधन और निगरानी की क्षमता हो, बच्चों में ऐसा हो भाई बच्चे शोर मचा रहे हैं, टीचर कुछ नहीं कर रहा है, सही से बच्चों को मैनेज करने की क्षमता होनी चाहिए, और 5वां मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। ये जो तो एक अच्छे टीचर होता है उसमें सक्षमता होती है ये वाली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। देखो अधिगमकर्ता मतलब होता है स्टूडेंट, और ये जो सवाल है तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो विधि स्टूडेंट या छात्र केंद्रित होती है वो कौन कौन सी होती है। ठीक है, देखो विधि जो शिक्षक विधियां होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, टीचर या शिक्षक केंद्रित, ठीक है, दूसरी होती है छात्र केंद्रित। अमित कुमार जी कह रहे हैं एक्सप्लेन भी करिए। ठीक है, ओके ओके। देखो दोस्तों शिक्षक यानी कि शिक्षक पर ये जो है व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है कि अगर जो भी कुछ लिखेगा वो क्या होगा, बच्चे उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। यानी कि ये जो टीचर है जो लिख रहा है उसको बोलते हैं चॉक एंड टॉक विधि। तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा क्योंकि ये जो है शिक्षक केंद्रित है। परियोजना, अगर कोई टीचर, ठीक है, कोई टीचर किसी प्रोजेक्ट वर्क को बताए बच्चों को, तो ये भी क्या होगा, शिक्षक केंद्रित होता है। ठीक है, और जो तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना देखो व्याख्यान कौन देगा, टीचर देगा। तो बच्चे क्या करेंगे दोस्तों, टीचर पर निर्भर करेंगे कि बच्चा टीचर जो है क्या बताएगा मैं, तो तीसरा भी गलत हो जाएगा। अब देखो अगर कोई कंप्यूटर में दोस्तों, कंप्यूटर में हमें कुछ सीखना है तो उसमें कोई टीचर नहीं होता है, खुद हमको जो है करना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स उच्च शिक्षण संस्थाओं में कंप्यूटर होते हैं और कंप्यूटर के माध्यम से हमको खुद सीखना होता है। ये होता है छात्र केंद्रित। और ऑप्शन नंबर 5 भी ठीक है, अनुरूपण और भूमिका निर्वहन के, खुद को हम जब रोल में प्ले करते हैं किसी भी कंडीशन में तो हम खुद का मूल्यांकन करते हैं। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ क्या है। टी माने टीचर और एल माने लर्नर, यानी कि शिक्षक और छात्र मॉडल का क्या अर्थ होता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 20 सेकंड का समय है आपको कमेंट करने के लिए। यहाँ शिक्षक है और यहाँ छात्र है। दोस्तों जो विद्वान था, ठीक है, विद्वान ने कहा कि भाई जिन्होंने भाई इन्होंने जो है शिक्षक और छात्र के बीच में एक संबंध होता है, ठीक है, एक अभिन्न रूप से संबंध होता है, उसको जो है टीएल मॉडल कहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है, ठीक है, तो इसलिए टीएल मॉडल को प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। अधिगमकर्ता मतलब होता है दोस्तों छात्र, जो सीखने वाला। अब हमें इस सवाल में क्या करना है कि छात्र की उन विशेषताओं को पहचानिए जो क्षेत्र, ठीक है, स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित। इन 5 में से जो क्षेत्र अधिगमकर्ता की विशेषताओं से संबंधित है, ठीक है, कौन कौन सा है। ऐसे ही सवाल आएंगे आपको एग्जाम में आपके, तो सही से समझिएगा। एग्जाम में थोड़ा टाइम कम है, इसलिए थोड़ा दोस्तों व्याख्या कम कर रहे हैं, वरना हम व्याख्या भी लाते हैं लिखित रूप में। तो फ्रेंड देखो इसमें क्या होगा, पहला ठीक हो जाएगा, यानी कि तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। ये क्या है दोस्तों, अधिगमकर्ता की विशेषताएं होती हैं, ठीक है। और दूसरा गलत है क्योंकि अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझता है, तो अवधारणाएं नेगेटिव भी हो सकती हैं, ठीक है, और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। तो इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कहा है। तो जो सीखने वाला होता है वो क्या करता है, यानी कि अपने सिलेबस पर, अपने कंटेंट पर ध्यान देता है, ना कि पूरे वैश्विक समस्या पर ध्यान देता है। तीसरा ठीक है, प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है, यानी कि अगर क्लास में 4 बच्चे हैं तो आप उनमें से एक हो तो आप क्या करोगे, आप इनसे तीनों से पीछे रहना पसंद नहीं करोगे, सोचोगे भाई कि आप मैं इनमें से आगे निकलूं, तो इसमें प्रतिस्पर्धा बोलते हैं उसको, ठीक है। और इसका डी भी ठीक है, स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है, यानी कि स्वयं द्वारा सूचना जो है तो कलेक्ट कर सकता है और व्यवस्थित कर सकता है। और जो 5वां है तो सहयोग करना पसंद करता है। देखो जब भाई अधिगम करता है और वो सीख रहा होता है किसी चीज को, तो वो नहीं चाहता कि भाई मैं किसी का सहयोग करूं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों जब किसी का सहयोग करेगा और वो सहयोग लायक नहीं है, भाई आप स्टूडेंट हो, आप सोचते हो भाई मैं किसी का सहयोग करूँ, तो हो सकता है आपका खुद का काम बिगड़ जाए। तो कौन सा ठीक हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। 7वां सवाल, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में नामिक, क्रमिक, अंतराल, अनुपात, सेकंड में क्रमिक और क्रम, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां, वर्गीकरण क्रम समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य और केवल वर्गीकरण। राम मोहन शर्मा जी वेलकम, मोन्टू प्रसाद जी वेलकम। नॉमिनल क्या होता है दोस्तों? नॉमिनल तो नॉमिनल का मतलब होता है दोस्तों क्लासिफिकेशन ओनली, यानी कि केवल वर्गीकरण, ठीक है। और क्रमिक ऑर्डिनल, ऑर्डिनल का मतलब है वर्गीकरण और क्रम। और अंतराल इंटरवल, इसको हम डिनोट करते हैं वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयों में। और अनुपात को दोस्तों हम क्या करते हैं? वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयों और निरपेक्ष शून्य में। देखो ऐसे दोस्तों ये जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, आ सकता है, थोड़ा गौर से देखिएगा इसको। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंध से भिन्न है? संवर्धन मतलब प्रमोट, बढ़ाना। तो निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न होता है? फ्रेंड देखो, अगर आपका जो नजरिया है, ठीक है, जो शिक्षा कार्य है, अगर आलोचनात्मक नहीं होगा, आलोचनात्मक चिंतन, भाई आपको ऐसा लगे कि भाई कोई हमसे आलोचना कर सकता है, तो उसके बारे में अगर आपको चिंता होगी कि भाई क्रिटिकल थिंकिंग आप में है, तो दोस्तों आप क्या होगा? प्रमोट हो सकते हैं। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो और फीडबैक नहीं मिल रहा है, क्या आपकी आलोचना नहीं हो रही है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तो आप क्या होगा? आपको ये पता नहीं पड़ेगा कि कैसे पढ़ा रहे हैं आप पढ़ाते ही जाओगे, पढ़ाते जाओगे, लगता है बच्चे जो है दोस्तों फेल हो जाएं और उस वजह से आप डिमोट हो जाओ। तो फ्रेंड्स पढ़ना भी बहुत जरूरी है। कहते हैं भाई जिंदगी में आपका आलोचकार भी होना जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक माना जाता है? फ्रेंड देखो, आलोचना का मतलब ये होता है कि भाई अगर आपको कोई बताने वाला नहीं होगा कि आप में ये कमी है, और तो जो कमी बताता है, लोगों की धारणा क्या कि जो कमी बताता है उसका बुरा मानते हैं लोग, परंतु दोस्तों जो कमी बताता है उसके जरिए आप अच्छा करने की कोशिश करते हैं। फिर निम्नलिखित शिक्षण विधियों के आलोक या स्पेक्ट्रम में किन विधियों को संवादपरक माना जाता है? तो फ्रेंड्स संवादपरक, पहला गलत है क्योंकि दोस्तों प्रयोगशाला में आप खुद भी काम कर सकते हो, किसी से संवाद नहीं कर सकते, ठीक है। प्रदर्शन यानी कि आप डिमोनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां भी जो है किसी संवाद नहीं कर सकते, आप खुद ही खुद बात कर सकते हो या बोल सकते हो। ट्यूटर यानी कि ट्यूटोरियल, तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो तो आप खुद ही खुद बात करोगे, ठीक है। ऐसे मैं दोस्तों आपसे सवाल पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद ही बात कर सकता हूँ, आपसे बात नहीं हो सकती मेरी, केवल आप फीडबैक दे सकते हो, मैं दे सकता हूँ। समूह चर्चा, जब दोस्तों कोई इनकी 4-5 बंदे बैठे हुए हैं तो क्या होगा? उनमें आपस में संवाद भी होगा, ठीक है। अगर दोस्तों प्रोजेक्ट कार्य यानी कि 10 लोगों को एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है, प्रोजेक्ट कार्य, तो आपस में क्या होगा दोस्तों? संवाद भी होगा। तो कौन सा हो जाएगा? नहीं दोस्तों सॉरी, ई है, ये कहता है क्योंकि प्रोजेक्ट कार्य जो होता है वो शिक्षा टीचर देता है, उसमें संवाद नहीं करता है वो, ठीक है। ये बताता है कि भाई आपको ऐसा करना। बच्चे क्या करते हो? प्रोजेक्ट को तैयार करते हैं, खुद ही को तैयार करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर बच्चे के लिए होता है। उसमें जो अनुशिक्षण होता है, जो ट्यूटर होता है, ठीक है, उसमें जो है जैसे कि ट्रेनिंग वगैरह हो गया, ट्यूटोरियल हो गया। तो ट्रेनिंग में जो है ट्रेनिंग एक की नहीं होती है, बहुत सारे लोगों की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी राइट हो जाएगा, इनकी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 10वां सवाल, विद्यालय अधिगम में योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? मोन्टू जी सही कह रहे हैं आप, प्रोजेक्ट नहीं होगा, ठीक है, मैंने बोल दिया। तो विद्यालय अधिगम में जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं विद्यालय में, योगदान देने वाले निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जिन्हें सामाजिक दक्षता के रूप में माना जाता है? तो आपको 20 सेकंड दिए जा रहे हैं कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड देखो, अभी इसमें अभी प्रेरणा होगा, मोटिवेशन जरूरी है अगर सामाजिक क्षेत्र में आपको दक्ष बनना है, ठीक है। और देखो बौद्धिकता तो हर एक क्षेत्र में बन सकते हैं आप, ये नहीं होगा। सामाजिक कौशल भी होना जरूरी है आपका, ठीक है। और सामाजिक दक्षता के लिए दोस्तों आपको फैमिली सपोर्ट भी जरूरी है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, शिक्षण की अवधि में प्रयुक्त होने वाले विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाले प्रश्नों को निम्नलिखित प्रदत्त सूची से पहचान कीजिए। पहला मैं बोलता हूं, अब सारी प्रश्न, तथ्य आधारित प्रश्न, संप्रत्यक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, लोअर ऑर्डर निम्न स्तरीय प्रश्न और उच्च स्तरीय प्रश्न। तो फ्रेंड देखो इसमें क्या होगा, पहला ठीक हो जाएगा, यानी कि अब सारी प्रश्न, ठीक है। और इसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न, ठीक है। और इसमें दोस्तों उच्च स्तरीय जो प्रश्न होंगे वो विषय वस्तु प्रकार के सापेक्ष अपोजिट प्रक्रिया वाले प्रश्नों को संसूचित करने वाली प्रश्न होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 12वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 12, कथन ए है, वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं। देखो दोस्तों, विश्वसनीयता मतलब होता है रिलायबिलिटी, ठीक है, रिलायबिलिटी। वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक किंतु पर्याप्त नहीं। सेकंड है, मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्न की तरह पाई जाती है। दोस्तों अगर कोई कार्य है, कोई कार्य पर लोगों ने अनुभव किया है या कोई वस्तु है, 100 लोगों ने अनुभव किए और 100 लोगों ने 99 उसको 5 रेटिंग दी, तो उसका जो विश्वसनीयता है वो या वैधता है वो अच्छी होगी। 90 लोगों ने 1 रेटिंग दी है तो उसकी विश्वसनीयता कैसी होगी? इनवैलिड होगी। तो फ्रेंड देखो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें यही कहा गया है कि भाई जो वैधता के लिए विश्वसनीयता आवश्यक है किंतु पर्याप्त नहीं। दूसरा भी ठीक है क्योंकि मूल्यांकन उपकरणों के लिए वैधता एक पूर्ण रूपेण आवश्यक या अनावश्यक अवधारणा न होकर एक अविच्छिन्न की तरह पाई जाती है। यानी कि दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। कोई शिक्षक अपनी कक्षा में वांछित अधिगम परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रश्न उत्तर सत्र का प्रयोग करता है। इस प्रक्रिया में वह किसी शोधार्थी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कुछ उत्तरों के लिए निम्नलिखित प्रकार की टिप्पणी करता है। वह टीचर कहता है कि हाँ आप सही हैं, उत्तम। तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण माना जाएगा? कोई शिक्षक है दोस्तों, अब वो चाहता है कि भाई बच्चों से मैं कुछ इस प्रकार का सत्र लागू करूं जिससे कि अच्छा परिणाम आए। ठीक है दोस्तों, उसने क्या किया कि भाई प्रश्न उत्तर का एक सत्र शुरू किया और टीचर चाहता है कि भाई टीचर के विचार है कि प्रश्न उत्तर मैं करूंगा और बच्चे आंसर देंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। और बच्चों ने अच्छा किया और टीचर कहता है कि हाँ आप सभी सही हो, या किसी पार्टिकुलर बच्चे के लिए कहा कि आप सही हो, उत्तम आपने काम किया, तो क्या होगा, तो वो पॉजिटिव फीडबैक होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नांकित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? शिक्षण अधिगम उद्देश्यों के संज्ञानात्मक क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिगम परिणामों के उच्चतर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? अनुरेश कुमार जी नमस्कार, वेलकम आपका। तो फ्रेंड्स, इसमें पहला ठीक है, दूसरा ठीक है अवधारणा तत्वों का विश्लेषण, संश्लेषण जिसमें विचारों रचनात्मकता व्यवस्था निहित हो, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ई यानी कि मूल्यांकन जिसमें आंतरिक एवं बाह्य मानकों के अनुप्रयोग द्वारा निर्णय लिया गया हो। तो फ्रेंड्स राइट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कथन ए है इष्टतम निष्पादन परीक्षण परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु अभिकल्पित होते हैं। प्रथम सेकंड है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु विकल्पित होते हैं। विशिष्ट उत्तर यानी कि टिपिकल रेस्पॉन्स टेस्ट आर डिजाइन टू मेजर स्पेसिफिक बिहेवियर and characteristics of examinees. अभिकल्पित मतलब होता है दोस्तों डिजाइन, तो जो 15वां सवाल है पहला भी ठीक है और दूसरा भी ठीक है, ठीक है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दोस्तों अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो एक बार और देख लीजिएगा, क्योंकि इष्टतम मैक्सिमम परफॉर्मेंस, ठीक है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट परीक्षार्थियों के ज्ञान एवं उसकी योग्यता की चरम सीमा के आकलन हेतु क्या दोस्तों डिजाइन किए जाते हैं, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और दूसरा भी ठीक है विशिष्ट उत्तर परीक्षण परीक्षार्थियों के व्यवहार एवं अभिलक्षणों के मापन हेतु डिजाइन किए जाते, बिल्कुल ठीक है दोनों ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 अभिकथन ए है निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जबकि शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है। कारण सेकंड है क्योंकि इस प्रकार का मूल्यांकन औपचारिक होता है तथा अनुदेशन या शिक्षण की अवधि में घटित होता है। तो निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है। तो फ्रेंड 16वां सवाल है, उसमें पहला ठीक है क्योंकि निर्माणात्मक मूल्यांकन उसे कहा जाता है जब शिक्षण अधिगम व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश एवं संभावना तलाशने का प्रयास होता है, जैसे कि निर्माण भाई बच्चे में सुधार की गुंजाइश है और भाई संभावना तलाशते हैं कि भाई बच्चा अच्छा कर सकता है, तो उसमें क्या करते हैं तो कुछ अच्छा उसमें बच्चे में कुछ ऐसे निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं, बच्चे के साथ में निर्माण करते हैं, उसका निर्माणक मूल्यांकन करते हैं कि भाई बच्चा अच्छा कर सके। कारण क्योंकि इस प्रकार का मूल्यांकन अनौपचारिक होता है, ठीक है, और तथा उद्देश्य शिक्षण की अवधि में घटित होता है, यानी कि जो जब शिक्षण हो रहा होता है तो उस दौरान ये घटित होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है कि ए और आर दोनों सही है। आर जो एक से व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। देखो तो सवाल को समझिएगा, सवाल कुछ अटपटे हैं। यदि आपके विद्यार्थियों की पहचान निष्पादन तत्परता स्तर की दृष्टि से अक्षम किंतु इच्छुक के रूप में की जाती है तो उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा। भाई आपके बच्चे किसी कार्य करने में अक्षम है परंतु वो उस कार्य करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए कौन सी शिक्षण विधि को उपयुक्त माना जाएगा कि भाई वो उसमें अच्छा कर सकें। तो इसमें 17वें सवाल का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन के भाई आप जो है छोटे छोटे कार्य को करो, ठीक है, यानी कि अगर आप में दोस्तों बड़े कार्य करने की क्षमता नहीं है तो आप जो है छोटे छोटे कार्य को लेकर चलो, ठीक है, यानी कि आप इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता तो इतने बड़े बड़े छोटे छोटे कार्य करो, ठीक है, छोटे स्टेप लेकर करो। और जिनमें त्रुटिहीन कार्य प्रबंधन की बारंबारता हो, यानी कि भाई अगर आपने बड़ा काम किया तो उसमें आप लास्ट तक पहुँच गए और लास्ट में पता पड़ा कि भाई आपने गलती की, ये खराब हो गया, और बच्चों में ये है कि भाई हम सर जी इसको करके मानेंगे, तो टीचर क्या करेगा कि आपको कहेगा भाई इसी कार्य को आप छोटे छोटे रूप में करो, यानी कि जब छोटे किसी कार्य का परिणाम आएगा लघु टाइम में तो आपको पता चल सके भाई कि आपका जो कमी थी वो ये थी, तो आप उसमें छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर लो तब उसको कार्य करो तो आपको तो बड़ा कार्य करने में आसानी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। 18वां सवाल, शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। व्यक्तित्व मतलब होता है दोस्तों पर्सनैलिटी और अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड, ठीक है। तो शिक्षण की उनकी टीचिंग की उन सक्षमताओं की पहचान कीजिए जिनमें व्यक्तित्व और अभिवृत्ति संबंधित है, ठीक है। देखो अगर टीचर जो है प्रबंधन करता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है, वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए दोस्तों। और उसमें क्या करना चाहिए, देखो ये पहले भी आ चुका है, लोकस ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण की स्थिति, और सेल्फ एफिशिएंसी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स 18वां सवाल आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 18 है। शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित है। अभिवृत्ति मतलब होता है दोस्तों पर्सनैलिटी, और अभिवृत्ति मतलब होता है एटीट्यूड। तो फ्रेंड देखो इसमें 18वें सवाल में प्रबंधन करना गलत हो जाएगा और अनुसरण करना गलत हो जाएगा, नियंत्रण की संस्थिति सही हो जाएगा, ठीक है, और आत्म प्रभाव उत्पादकता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां सवाल क्वेश्चन नंबर 19 कथन फर्स्ट है, आधारित शिक्षण सहायक प्रणाली कि आईसीटी आधारित शिक्षण सहायता प्रणाली में अधिगम परिणामों को इष्टतम घबराने की संभावना होती है। यानी दोस्तों कह रहा है कि भाई अगर आप शिक्षा सहायता प्रणाली में अगर आप जो है अपनी जो शिक्षा को निगम प्रणाम होते हैं शिक्षण के माध्यम से, तो उनको अगर अच्छा करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो अच्छा यानी कि कह रहा भाई ये कि अगर आप शिक्षण ICT के माध्यम से अगर अधिगम प्रणाली को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या ये सही रहेगा। कथन सेकंड कह रहा है कि नवीनतम शोधों से यह प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रज्ञा की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, अगर हम शिक्षण सहायक प्रणाली में का प्रयोग करें तो अधिगम जो परिणाम होते हैं कि वो जो है दोस्तों एक अच्छे रूप में आपको रिजल्ट देते हैं। पहला ठीक है, दूसरा भी ठीक है कि भाई नवीनतम शोधों से प्रकाश में आया है कि सामाजिक सामर्थ्य से संबंधित कारक केवल संज्ञानात्मक प्रक्रिया की तुलना में अधिगम के लिए अधिक योगदान करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विश्वविद्यालय का एक शिक्षक इस बारे में एक शोध परियोजना प्रस्तावित करता है कि माता पिता विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों के प्रति क्यों उदासीन रहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विधि इस परियोजना के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। अगर दोस्तों किसी कारण को हमें खोजना हो तो उसके लिए हमें पोस्ट फैक्टो मेथड को काम करना होगा, कार्यतर विधि का। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस स्तर में संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है, इसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है। अपेक्षित मतलब होता है जो जरूरी होता है। संज्ञानात्मक मतलब होता है तो कॉग्निटिव इंटरचेंज अंतर्विनिमय। गुंजाइश मतलब रिक्वायरिंग, सॉरी गुंजाइश मतलब अपेक्षित माने, ठीक है। तो 21वां जो सवाल है वह ऑप्शन नंबर सी विमर्शी स्तर, यानी कि हायर लेवल में, जब आप हायर लेवल की एजुकेशन में हो फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है कि देखो आप यहाँ लगाइए विमर्शी स्तर में संज्ञानात्मक अंतर्विनिमय की इष्टतम गुंजाइश होती है, जिसके लिए विश्लेषण और संश्लेषण अपेक्षित होता है, ऑप्शन नंबर सी। 22वां सवाल, अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक है। Which learning theory provides support for active participation of learner in the learning process and fractional setting with intrinsic motivational as the basis। छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए कौन सा अधिगम सिद्धांत सहायक होगा, तो फ्रेंड्स कौन सा होगा, वाइगोत्स्की का प्रश्नवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 23, मूल्यांकन के परिणामों को प्रस्तुत करते समय कॉलेज शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के स्थान पर सत्मक श्रेणी का प्रयोग किया, इस प्रकार के मूल्यांकन को क्या कहा जाएगा। देखो दोस्तों सत्मक मतलब होता है परसेंटाइल, क्योंकि अगर एनटी का रिजल्ट भी आएगा तो परसेंटाइल में आता है आजकल भाई, उसने मार्क्स के स्थान पर परसेंटाइल में आपका रिजल्ट बताया, तो इस प्रकार का जो मूल्यांकन होगा वो किस प्रकार का कहलाएगा, तो वो कहलाएगा नॉर्म फ्रेंड्स यानी कि मानक संदर्भित। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शैक्षणिक जी 22वां सवाल देखो, वायगोत्स्की एक विद्वान है, उन्होंने रचनावादी सिद्धांत दिया। उनके अनुसार अंतरक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य में अंतर्भूत अभिप्रेरणा के साथ अधिगम प्रक्रिया यानी सीखने की जो प्रक्रिया के दौरान शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी होती है। तो ये कहा था वाइगोत्स्की के रचनावादी सिद्धांत ने कहा था। 24वां है, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकृत स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतर स्तर का माना जाता है। तो भावात्मक क्षेत्र में शिक्षण के भावात्मक क्षेत्र में उच्चतर स्तर का होता है चरित्रीकरण और दूसरा होता है व्यवस्थापन। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर सी। देखो शिक्षण के जो क्षेत्र होते हैं वो तीन होते हैं। पहला संज्ञानात्मक, दूसरा भावात्मक, तीसरा मनोगत्यात्मक साइको। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है भाई भावात्मक में आपका आएगा चित्रीकरण और व्यवस्थापन। ठीक है, पच्चीसवां सवाल, निम्नलिखित विशिष्टताओं में कौन सी शिक्षण के अवबोध स्तर का वर्णन करती है। अवबोध यानी कि समझना, समझदारी वाला, जब दोस्तों हम किसी चीज को समझते हैं, ठीक है, तो कौन सा स्तर होता है। क्लास जो है वो नहीं चल पा रही है।